दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बाकी मैं हो चुका हूँ अभी रेडी एंड अभी निकल रहा हूँ मैं अपने कॉलेज के लिए। तो मेरी क्लासेस का कुछ टाइमिंग ऐसा कि अभी 11 बजे होती है मेरी क्लास, तो अभी हो रहा है 10:30 और मैं निकल रहा हूँ। तो क्लास ख़त्म करके हम जाएंगे आज एक और बाइक देखने, KTM जाएंगे एडवेंचर 390 देखने। बाकी वो भी थी थोड़ा कि हाँ, KTM 390 भी अच्छी है उस सेगमेंट के लिए जिस सेगमेंट को मेरे को चाहिए। तो चलो आज KTM 390 देखेंगे कैसी है। बाकी चलो चलते हैं, पहले क्लास लगाते हैं एंड पहले निकलते हैं, चलते हैं अपना इंस्टीट्यूट, उसके बाद मिलते हैं आपको। बाकी कुछ आज चंडीगढ़ का मौसम बहुत ख़तरनाक होकर रखा है, ठंड ही पड़ी है यहाँ पे, तभी मैंने भी आज हुडी पहन ली हुई है। तो गाइस अभी अपनी क्लास ख़त्म हो चुकी है, बाकी अभी जाते हैं लंच करते हैं, उसके बाद यहाँ साथ में KTM का शोरूम। तो आज हम जाएंगे 390 एडवेंचर एंड ड्यूक 390 देखने, कौन सी आती है भाई साहब पसंद, देखाते हैं साथ में ये शोरूम। मैंने सोचा चलो KTM की बाइक्स भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, अगर आएगी पसंद तो क्या पता हम KTM में जाएं। चलो बाकी देखते हैं, पहले मैं लंच कर लेता हूँ यहाँ पे। बाकी अभी सीन कुछ ऐसा है, मैंने सोचा चलो अभी भूख तो लगी नहीं है, बाकी टाइम भी अभी 12:30 ही हुए हैं, तो मैं क्या चलो लंच बाद में करते हैं। अभी बाइक देखने की एक्साइटमेंट इतनी हो रही है कि चलो मैं क्या बाइक देखाता हूँ, पहले बाइक देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे लंच वगैरह। बाकी सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ अकेले, क्योंकि बाकी सारे अपने अपने कॉलेज गए हैं और मैं भी अपने गया था मतलब इंस्टीट्यूट। तो अभी फ्री होके साथ में ये शोरूम, तो मैं क्या चलो आज अकेले जो हम बाइक देखाते हैं, और जो बाकी बाइक्स बची है देखने को उनका भी देखते हैं क्या बनता है सिस्टम अभी। सो गाइस फाइनली वी रीच डैट KTM, वो सामने है KTM, अभी मेरे सेक्टर के साथ में ही था बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में। बाकी वो रहा सामने, बाकी पता नहीं ये ओपन है कि नहीं है शटर, तो मेरे को इसके डाउन ही लग रहे हैं, तो आज मेरे को नहीं लगता ये खुला हुआ है। चलो देखते हैं अभी अंदर जाके, वो रहा सामने ऑरेंज बोर्ड जो दिख रहा है आपको, बाकी चलो वहाँ चलते हैं एंड देखते हैं खुला है कि नहीं है, क्योंकि ओह शिट ब्रो, अरे आज कैसे हो सकता है ये बंद। सो गाइस ये रहा कुछ अपना KTM सामने, तो चलो खुला है, बाहर जैसा लग रहा है क्योंकि ये वाला शटर इन्होंने लगा के रखा है। ओह शिट ब्रो, अच्छा हाँ शटर इन्होंने लगा के रखा है, ना बाइक आज बाहर खड़ाई है ना कुछ, तो कोई पता नहीं चल रहा है कि आज ओपन है कि नहीं है। सो गाइस ये रहा कुछ अपना शोरूम और ये रही बाइक्स। सो गाइस ये रही कुछ अपनी 390 एडवेंचर, भाई साहब है तो बिल्कुल सेक्सी है ये भी। हाँ हाँ, और टेस्ट ड्राइव वगैरह है इसके अवेलेबल? अभी नहीं है। ये है कुछ अपना मीटर, इसमें 370 और ऑन रोड कितने की पड़ेगी? ऑन रोड 370 विदाउट RC। ओके, अगर चंडीगढ़ में करवाऊँ रजिस्टर तो क्या रहेगा इसका? हाँ, नया गांव में वो तो पंजाब पड़ता है। अच्छा वहाँ पे होगा। ओके, बाकी ये रहे कुछ नहीं RC 390, ये भी अच्छी है। और ये ड्यूक, ये तो ड्यूक 390 है कि 250 है ये 390 है? बाकी गाइस ये रहेगी अपनी 390 ड्यूक, तो एडवेंचर, और ये तो ये भी 390 है कि ये कलर है इसमें, और एक वो 250। बाकी भाई एडवेंचर तो एडवेंचर है, वीडियो 390 तो बहुत छोटी है और ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, BMW के मुकाबले ये उससे छोटी है शायद मेरे ख्याल से। तो बाकी का ये चेक करूँ जिस हिसाब की BMW थी उस हिसाब से, तो उससे मेरे को ये छोटी लग रही है थोड़ी साइज़ वाइज, बाकी तो ओके है। अरे यार बाकी ये कुछ इसका मीटर फीचर्स मिल जाएंगे इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह बाकी, एंड ये है कुछ ऐसा 390 ड्यूक हो रही सामने, वो छोटी एडवेंचर के लिए तो ये बाइक ओके है। आवाज़ चेक करो भाई, आवाज़ तो सेक्सी है बिल्कुल इसकी, ये एग्जॉस्ट साउंड रहेगा इसका कुछ सेक्सी ब्रो सेक्सी। चलो खड़ाते हैं पहले इसको, बाकी देखते हैं। बाकी भाई साहब RC 390 तो सेक्सी है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, देखो इसमें बैठ के देखूँ। ओहो हो, ये तो स्पोर्ट्स बाइक है पूरी भाई,
कितना पीछे होना पड़ रहा है इसके लिए, आगे इतने पीछे बैठा हूँ मैं इसके। ये भी सेक्सी है बट हमें एडवेंचर के लिए बाइक चाहिए तो इसका कोई काम नहीं अपने पास। अपने पास काम रहेगा या तो ये ड्यूक 390, इसमें भी हम एडवेंचर कर सकते हैं, या तो एडवेंचर 390, उसके तो नाम भी एडवेंचर है। ड्यूक और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, रेट का ही फ़र्क है। ये 50,000 सस्ती है, वो 50,000 महंगी है। इसमें 43.5 PS पावर है, उसकी भी 43.5 PS पावर है, दोनों सेम पावर जनरेट करती हैं क्योंकि इंजन सेम है। बाकी देखो भाई क्या बनता है, ये कलर है एक इसमें ड्यूक में। बाकी मेरे को तो ये बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा, जिस हिसाब की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है, जिस हिसाब से ये ऊंची है, वो हो भाई साहब ये कुछ गेम है। ऊपर से 2023 का मेरे ख्याल से नया न्यू कलर्स जो भी आए हैं 2022 के, वो न्यूली लॉन्च्ड है ये वाली बाइक। एक वो रही, एक ये रही। हाईवे, आई एम सो लव इन लव विद दिस बाइक, सच्ची बोलूँ तो। बाकी ये कुछ इसके DRLs जो कि बहुत सेक्सी लगते हैं, ऊंची होता है यार ये तो। फिर वही है, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स बाइक है तो भगाओ इसको जितनी भगा सकते हो आप, भगाओ तो इसको भी। बाकी यार ये कुछ इसका व्यू रहा अपना, तो इसका प्राइस रहेगा, ये पड़ेगी हमें अगर विद RC 4 crore कर जाएगी, क्योंकि हिमाचल में रजिस्ट्रेशन महंगी हुई पड़ी है थोड़ी हिमाचल का। यहाँ पे चंडीगढ़ में सिर्फ विदाउट RC 370 की है ये, और विद RC तो ये महंगी पड़ जाएगी। मतलब ओके है, एडवेंचर 390, एडवेंचर करने का बहुत मज़ा आएगा इसमें। फिर आप कमेंट करके बताओ ड्यूक 390 इज वर्थ और एडवेंचर 390, आई थिंक सो दिस वन इज नाइस, आई लव दिस बाइक यार, बहुत सेक्सी है, ऊंची भी बहुत है। बाकी ये क्रैश गार्ड वगैरह, ये सेल आउट है बाइक तो इसमें क्रैश गार्ड सब कुछ लगा हुआ, ओके रिपोर्ट। चलो देखते हैं, बाकी भाई इसकी बुकिंग बता रहे हैं कि अभी बुक करवाएंगे तब जाके शायद मिलेगी ये, मतलब 1-2 महीने तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि बुकिंग में चली है। ये वाली बाइक भी बुकड है, वो वाली बाइक भी बुकड है, दोनों बुकड है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या बनता है। बाकी कुछ हमने जो है KTM वालों का नंबर ले लिया है, तो अगर कुछ बनता है प्लान तो कॉल करके अपना अपनी बाइक जो बुक करवा देंगे। तो चलो अब KTM से चलते हैं, KTM को करते हैं बाय। आज इन्होंने कोई भी बाइक जो अपनी बाहर नहीं लगाई हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम ही बंद पड़ा है। वो देखो शटर बंद, सब कुछ बंद, डाउन करके रखा है इन्होंने, तो ऐसा लगा मेरे को पहले तो कि जैसे शोरूम ही बंद है ना, कि आज पता नहीं किस बात की छुट्टी है भाई, हैं बंदी शोरूम बंद करके रखे हैं। तो आगे जाके देखा था जी शोरूम तो खुला है, सुनसान करके रखे इन्होंने बिल्कुल। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं, करते हैं अपना लंच, उसके बाद देखते हैं बाकी का प्लान। अभी तो ट्रियम्फ बेनेली है अपने लिस्ट में, दो बाइक्स जो लास्ट की रहती है देखने को। और हाँ अभी रॉयल इनफील्ड की भी एक 650 सुपर मीटियोर 650 आई है, तो उसका भी देखते हैं क्या प्लान बनता है। 650 मीटियोर का उसको भी मैं चेक करके आऊँगा अगर वो आ गई होगी तो, क्योंकि वो भी इंजन उसका हैवी है तो उसको भी चलाने का जो है मज़ा आएगा। बाकी कोई नहीं, देखते हैं उसको भी चेक करके आएंगे एक बार, टेस्ट ड्राइव वगैरह देखते हैं उसकी, अगर मिलेगी तो उसकी तो टेस्ट ड्राइव लूँगा पक्का, देखता हूँ। चलो अभी चलता हूँ, पहले लंच करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपको सीधे। सो भाई ऐसा कुछ, स्टिल सर्चिंग द बाइक्स, ओ शिट ब्रो व्हाट इज द मॉन्स्टर, ओ भाई साहब ये है भाई, बाइक भी तो छोड़ता हूँ मैं तो सोचता हूँ एडवेंचर की, इसको ले लेता हूँ। हाय 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 हाय, दैट्स द 110 डिफेंडर, बहुत सेक्सी लग रही है वैसे खड़ी, क्या बोलते हैं गाइस, ले ली जाए फिर डिफेंडर या फिर
बट हाँ चलो मेन बात करते हैं, स्टिल कन्फ्यूज इन बाइक्स बिकॉज KTM। हाँ अभी कन्फ्यूज़न तो रहेगा जब तक मैं सारी बाइक्स नहीं देखूँगा, क्योंकि अब लास्ट की बाइक्स रहेगी अपनी बेनेली ट्रियम्फ एंड रॉयल एनफील्ड भी मेरे को जाना है, क्योंकि भाई बाइक लेनी है इस बार तो लूँगा सबसे परफेक्ट और सबसे बढ़िया बाइक, तो देखते हैं कौन सी मिलती है। बाकी KTM भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, एडवेंचर 390 टॉप लेवल बाइक है ब्रो, टॉप लेवल बिकॉज जो उसमें फ़ीचर्स हैं अल्टीमेट अट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ ओके रिपोर्ट। चलो देखते हैं कौन सी, एंड अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने, लंच करते हैं यहाँ पे एंड फिर देखते हैं क्या बनता आगे का प्लान। जाम देख रहे हो चंडीगढ़ में कितना ट्रैफिक हो गया रखा है। ओहो भाई साहब, एक अकेला आदमी चल भी नहीं सकता रोड पे।